नमस्कार दोस्तों, 6 बार की विश्व चैंपियन महिला मुक्केबाज मैरी कॉम अपने रिटायरमेंट को लेकर कुछ समय से काफी चर्चा में, जिस पर उन्होंने मीडिया के सामने खुलकर अपने विचार भी रखे और कहा कि जब उन्हें रिटायरमेंट लेनी होगी तो वह खुद मीडिया के सामने आके घोषणा कर देंगी। क्या है पूरा किस्सा, आइए आपको बताते हैं। आपको बता दें, असम के डिब्रूगढ़ में 24 जनवरी को एक कार्यक्रम के दौरान मैरी कॉम के संन्यास की खबरें सामने आई थी। भारतीय बॉक्सर ने कहा था कि उम्र का बंधन होने के चलते अब वो ओलंपिक में शिरकत नहीं कर सकती। इसी बयान को लेकर उनके संन्यास से जोड़ा जा रहा था। दरअसल बच्चों के हौसला अफजाई करते हुए उन्होंने कहा था कि मेरे अंदर अभी जीत की भूख बाकी है, मैं अभी भी खेलना चाहती हूं, लेकिन ओलंपिक में एज लिमिट होने के कारण मैं हिस्सा नहीं ले सकती। हालांकि मैं अपना खेल जारी रख सकती हूं और उसके लिए मेरी फिटनेस पर मेरा पूरा फोकस है। इसी सिलसिले में मैरी कॉम ने एक बयान जारी किया और कहा कि मीडिया के मेरे दोस्तों, मैंने अभी तक संन्यास की घोषणा नहीं की है और मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। जब भी मुझे संन्यास का ऐलान करना होगा तो मैं खुद सभी को बताऊंगी। मैंने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स देखी है जिनमें कहा गया है कि मैंने खेल को अलविदा कह दिया है, जो कि सही नहीं है। आपको बता दें, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के नियमों के तहत ओलंपिक जैसे बड़े मंच पर मुक्केबाजों के लिए खेलने के लिए एक एज लिमिट रखी गई है, वो है 40 साल। ये नियम महिला और पुरुष दोनों की कैटेगरी के लिए सेम है और मैरी कॉम की मौजूदा उम्र 41 साल है, इसलिए वो ओलंपिक नहीं खेल सकती। मैरी कॉम का मुक्केबाजी में एक स्वर्णिम करियर है। मैरी कॉम ने 2014 में दक्षिण कोरिया में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज बनी थी। मैरी कॉम को कई नेशनल अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। साल 2006 में मैरी कॉम को पश्चिमी अवार्ड से भी नवाजा गया था। वहीं 2009 में उन्हें देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया था। इसके अलावा 2020 में पद्म विभूषण, 2013 में पद्म भूषण, 2009 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड और 2003 में अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।